हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी डिसीजन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन डोमेस्टिक T20 ट्रॉफी यानी कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करेंगे, जो कि मैच होगा यहाँ पर आंध्र और पंजाब के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर देते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात कर रहे हैं इस मैच की, इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि पूरी टूर्नामेंट हम लोग इसी YouTube चैनल के ऊपर कवर करेंगे। इसके साथ साथ वर्ल्ड कप हम लोग कवर करें और आज की मैच का वीडियो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा हुआ है, तो आप लोग वो भी उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं इसी चैनल के ऊपर। साथ ही में और भी कई सारे टूर्नामेंट्स है, जैसे CBFS T20 हो गई, इसके साथ साथ यहाँ पर Emirates T20 हो गई, इसके साथ साथ और भी कई सारे टूर्नामेंट्स के वीडियो आपको मिलेंगे। साथ ही मैं टेलीग्राम से भी जुड़िएगा, क्योंकि इस मैच की और आगे आने वाली सारी अच्छे मैचेस की फाइनल अपडेट और फाइनल स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग की जो भी टीम रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूं। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना रहेगा। बात करते हैं इस मैच की, तो ये मैच सुबह में 11 बजे JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स रांची में खेला जाएगा, जहां पर रन अच्छे खासे बन जाते हैं। पिच रिपोर्ट की बात करें तो रन्स यहाँ से जैसे कि मैंने बताया ना, रन्स यहाँ पर बनता है, लेकिन स्पिनर्स को भी यहाँ पर थोड़ा बहुत एडवांटेज रहता है। एवरेज यहाँ पर 140-150 के आसपास आराम से स्कोर बन जाएगा, बाकी ज़्यादातर पेशर्स और स्पिनर्स दोनों ही इक्वल ही है। देख लीजिए आप लोग, 11 मैच के अंदर 66 विकेट पेशर्स को मिली है, 51 विकेट यहाँ पर स्पिनर्स को मिली है। चेजिंग रिकॉर्ड में यहाँ पर 33 मैच के अंदर 10 बार यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीती, 18 बार चेजिंग करने वाली टीम ने जीती, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टीम टॉस जीत के पहले चेज करना पसंद करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टीम आंध्रा की, तो आंध्रा ने एक मैच खेली और हार के आ रही है। ओपनिंग की बात करें तो ओपनिंग में अश्विन हेब्बर और इनके साथ यहाँ पर कोना श्रीकर भरत ने ओपनिंग करवाया। देखो आंध्रा की बात करूँ ना, तो आंध्रा का टॉप ऑर्डर काफ़ी मजबूत है यहाँ पर, लेकिन इसके बावजूद इनको लास्ट मैच के अंदर थोड़ा सा हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इनको हार का सामना करना पड़ा क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा था, 233 रन का टारगेट मिला था, जहां पर इन्होंने 201 रन तक तो कर लिए थे। तो मतलब आज की मैच के लिए भी अगर इनसे बैटिंग से तो उम्मीद रहेगी, आई थिंक यहाँ पर 150-200 रन तो बना सकती है। अश्विन हेब्बर इंपॉर्टेंस रहेंगे यहाँ पर, इसके साथ कोना शिखर भरत विकेट कीपिंग सेक्शन से हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा से हनुमा विहारी जो कि लास्ट मैच के अंदर हमारे वाइस कप्तान थे। अभी देखो यहाँ पर कोना श्रीकर भरत और हनुमा विहारी दोनों ही टीम इंडिया की तरफ से खेल चुके हैं, और कोना श्रीकर भरत अभी भी एक्टिव है, यानी कि टेस्ट में अभी भी जब भी टीम इंडिया खेलती है तब यहाँ पर कोना श्रीकर भरत टीम इंडिया का हिस्सा होते हैं। इसके साथ यहाँ पर हनुमा विहारी ने भी टेस्ट खेला हुआ है टीम इंडिया के लिए, तो मतलब इनके पास अनुभव है यहाँ पर बड़ी टूर्नामेंट्स खेलने का और बड़े प्लेयरों के साथ खेलने का, तो दोनों ही यहाँ पर इंपॉर्टेंस रहेंगे। इसके साथ साथ अश्विन हेब्बर को भी आप लोग लेके जा सकते हैं। हनुमा विहारी हमारे लिए एक बार फिर से कैप्टन और वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेंगी, क्योंकि बैटिंग के साथ साथ ओवर्स भी करवा लेता है। इसके साथ साथ शेख रशीद वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, 27 रन किए थे लास्ट मैच के अंदर, कंसिस्टेंट है यहाँ पर। पिछली बार की बात करूँ यहाँ पर रिसेंटली जो टूर्नामेंट खेला गया था छत्तीसगढ़ T20 करके, वहाँ पर कंसिस्टेंट था, इसके पहले आंध्रा T20 के अंदर इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा था। रिकी भुई भी आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगे, देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा मैं क्वेश्चन मार्क हूँ यहाँ पर, मतलब कंफ्यूज हूँ यहाँ पर रिकी भुई के बारे में, क्योंकि इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे रहता है। देख लेते हैं आखिर में, क्योंकि हम लोग शिखर भरत को तो छोड़ के नहीं जाएंगे, फिर भी अगर देख लेते अगर कोई चॉइस ना मिले तो हम लोग यहाँ पर रिकी भुई को भी ले लेंगे। इसके अलावा से धीरज कुमार ओके रहेंगे, काफ़ी धीरज है, इनको बैटिंग करने में काफ़ी नीचे आते हैं, 6 नंबर पर खेले, बाकी तो यहाँ पर अभी के लिए लेके जाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा। यारा संदीप भी ओके रहेंगे, जेल में ट्राई करोगे। यहाँ से बात आती है हरिशंकर रेड्डी की, तो इनको मैंने लास्ट मैच के अंदर कैप्टन वाइस कैप्टन मेंशन किया था, क्या हुआ यहाँ से इन्होंने 4 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट निकाली, क्योंकि ये कंसिस्टेंट है, आगे भी यहाँ पर आपको 2-3 विकेट निकाल के देंगे, डेफिनेटली लेके जाना है। इसके साथ साथ मनीष गोलामरु इस प्लेयर को ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि ये भी यहाँ पर कंसिस्टेंसी से विकेट्स निकाल सकता है, इवन यहाँ पर बैटिंग करने का मौका मिला तो आई थिंक यहाँ पर 20-25 रन भी करके दे सकता है। इसके अलावा से ललित मोहन ने 1 विकेट निकाला और पृथ्वीराज यारा ने 2 विकेट निकाले, इन दोनों में से किसी एक को आपको मतलब लेना है, जो भी आपकी चॉइस हो। यहाँ पर मेरा सजेशन यहाँ पर देख लो, दोनों यहाँ पर कंसिस्टेंसी से पिछली टूर्नामेंट के अंदर विकेट निकाली है, इन दोनों में से किसी एक को, या फिर अगर ले सको तो दोनों को ले लीजिएगा। बाकी स्टीफन मेरे लिए इंपॉर्टेंस है, मैं स्टीफन को ड्रॉप नहीं करूँगा, चिपुरापल्ली स्टीफन को मैं ड्रॉप नहीं करूँगा, 4 ओवर्स की गेंदबाजी करवाई, विकेट लेस रहे, लेकिन मुझे इनसे उम्मीद है 1-2 विकेट की हमेशा रहती है। स्टार्टिंग में स्टीफन और PR यारा, डेथ ओवर्स में यहाँ पर हरिशंकर रेड्डी के साथ यहाँ पर सी स्टीफन ने डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी करवाई।
इसके अलावा बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स अपडेट वगैरह टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे आपको। तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। यहाँ पर इंपॉर्टेंस एक ही प्लेयर बनता है, वो यहाँ पर प्रीनीति तपस्वी, अगर खेलता है तो डेफिनेटली आपकी टीम का हिस्सा होना चाहिए। बात करें हम लोग यहाँ पर टीम पंजाब की, पंजाब ने एक मैच खेला और लास्ट मैच के अंदर हार गया रही है। ओपनिंग में यहाँ पर प्रभ सिमरन सिंह के साथ यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने ओपनिंग करवाया, और मतलब दोनों ही जल्दी आउट हो गए। देखो इनका ना टॉप ऑर्डर कल मतलब कॉलेप्स करवा गया था पावर प्ले में ही, 4 रन किए यहाँ से प्रभ सिमरन सिंह ने, लेकिन ओवरऑल काफ़ी तगड़ा प्लेयर है, पंजाब किंग्स की तरफ से खेलता है यहाँ पर आईपीएल में, डेफिनेटली लेके जाना है। इसके अलावा ऐसे अभिषेक शर्मा को मैं एज अ प्लेयर के साथ कैप्टन वाइस कैप्टन सजेस्ट करता हूँ, ये भी सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं और वहाँ पर ओपनिंग भी करवाते हैं आईपीएल में, ये भी बंदा ओपनिंग करवाता है यहाँ पर शिखर धवन के साथ, यहाँ पर प्रभ सिमरन सिंह, तो ये दोनों को लेके जाना है। तो यहाँ से दोनों इंपॉर्टेंस रहेंगे। नमन धीर को आप लोग डिफरेंशियल में ट्राई कर सकते हैं, रिसेंटली ठीक ठाक के लिए यहाँ पर पिछली टूर्नामेंट के अंदर यहाँ पर ठीक ठाक खेले, लास्ट मैच के अंदर 9 रन इन्होंने जरूर किए, हालांकि प्लेयर ओवरऑल ठीक ठाक, यहाँ पर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हैं। मनदीप सिंह वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है यहाँ पर, टीम इंडिया की तरफ से भी खेल चुके और आईपीएल वगैरह काफ़ी लंबे समय के लिए खेल चुके, तो मतलब इनको काफ़ी सारा अनुभव है, तो इनको डेफिनेटली आप लोग ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। मनदीप सिंह को 32 रन किए लास्ट मैच के अंदर, इसके पहले भी यहाँ पर 43-50-32 जैसे स्कोर करते हुए आ रहे हैं, और अगर वर्स करवाएंगे तो विकेट भी निकालेंगे। अनमोल प्रीत सिंह 48 रन किए, ये बंदा भी रिसेंटली जबरदस्त फॉर्म में, इनको डेफिनेटली लेके जाना है। तो यहाँ से देखो टॉप ऑर्डर में से प्रभ सिमरन सिंह है, यहाँ पर अभिषेक शर्मा है, मनदीप सिंह और अनमोल प्रीत सिंह। अनमोल प्रीत सिंह को आप लोग चाहो तो ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक इंपॉर्टेंस रहेगा। इसके अलावा ऐसे गुरकिरत सिंह मन, इनका भी एक वक्त था, एक समय था, लेकिन अभी वो काफ़ी नीचे खेले, 1 रन किए लास्ट मैच के अंदर, बाकी अगर देखो चांस मिला तो यहाँ पर रिसेंटली फॉर्म अच्छा है, भरोसा कर सकते हैं। सनवीर सिंह वेरी इंपॉर्टेंट, ये बंदा काफ़ी ज़बरदस्त बैटिंग करवा लेता है यहाँ पर, इनको हालांकि टॉप में खेलने का मौका मिलेगा नहीं, लेकिन लास्ट मैच के अंदर एक विकेट निकाली उन्होंने, इसके पहले यहाँ पर कुछ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिए। अभी रिसेंटली एक चंडीगढ़ T20 या फिर पंजाब T20 करके एक टूर्नामेंट खेला गया था, जहाँ से भाई साहब ने यहाँ पर कुछ सेंचुरीज और विकेट्स भी कंसिस्टेंट निकाली थी, जो टूर्नामेंट हमने पूरा कवर किया था। तो सनवीर सिंह को मैं जरूर सजेस्ट करूंगा, इस प्लेयर को ड्रॉप मत करना। इसके साथ यहाँ पर रमनदीप सिंह, ये भी एक कंसिस्टेंट प्लेयर थे, हालांकि यहाँ पर इनको ओवर्स करवाने का चांस नहीं मिल रहा, लेकिन बैटिंग से आपको एडवांटेज दे सकते हैं, लेकिन बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है, तो अभी के लिए थोड़े से रिस्की रहेंगे। इसके अलावा से हरप्रीत सिंह, जिन्होंने 22 रन किए, एक विकेट निकाला, और आगे भी यहाँ पर रेगुलर ओवर्स करते हुए दिखेंगे, ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा से मयंक मार्कंडे, ये बंदा इंपॉर्टेंस रहेंगे यहाँ पर, जो कि यहाँ पर मुंबई की तरफ से खेलता था, अभी आई थिंक शायद यहाँ पर गुजरात की तरफ से खेलता है या राजस्थान की तरफ से, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ओवरऑल कंसिस्टेंट प्लेयर है, भरोसा कर सकते। बाकी अर्षदीप सिंह को ड्रॉप करने का मतलब नहीं है यहाँ पर, एज अ प्लेयर ऐसे हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, डेफिनेटली लेके जाना है। लास्ट मैच के ना हालांकि विकेटलेस रहे, लेकिन ये स्टार्टिंग में डेथ में दोनों में आएगा, तो फिर इनको ड्रॉप नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में अर्षदीप सिंह के साथ यहाँ पर आए थे, यहाँ पर स्टार्टिंग में अभिषेक शर्मा और अर्षदीप सिंह है, डेथ हाउस में यहाँ पर अर्षदीप सिंह के साथ यहाँ पर सनवीर सिंह डेथ हाउस में गेंदबाजी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे आपको, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। निहाल वटेरा लास्ट मैच नहीं खेले थे, लेकिन अगर खेलेंगे तो आपको मतलब इनके रिकॉर्ड वगैरह वहाँ पर मिल जाएंगे। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम कौन सी हो सकती है, कौन से प्लेयर को लेके जाना है, और कौन से प्लेयर को हम लोग कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। सॉरी गाइस, एक मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, सिद्धार्थ कौल भी खेले थे लास्ट मैच के अंदर, जहाँ पर इन्होंने 4 ओवर्स की गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट भी निकाली थी, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन एज अ प्लेयर ऐसे इंपॉर्टेंस रहेंगे, और ये बंदा यहाँ पर डेथ हाउस में भी आएगा, तो इनको डेफिनेटली लेके जाना है। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी फैंटेसी टीम, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से 2 विकेटकीपर रहेंगे हमारी टीम के अंदर, यहाँ पर के शिखर भरत और प्रभ सिमरन सिंह, आप लोग चाहो तो ऐसे इनको ड्रॉप कर सकते, लेकिन तगड़ा प्लेयर यहाँ पर तगड़ा मारता है। इसके अलावा ऐसे रिकी भोई और अनमोलप्रीत सिंह की, दोनों अच्छे प्लेयर, लेकिन ये दोनों मिडल्स में खेलते हैं यहाँ पर, रिकी भोई और अनमोलप्रीत सिंह, और ये दोनों ओपनिंग करवा रहे हैं, तो इसके लिए इन दोनों को लेके जाएंगे। बैटिंग सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर हनुमा विहारी है, इनके साथ यहाँ पर मनदीप सिंह है, शेख राशिद के ऊपर एक बार फिर से हमने भरोसा किया है, और सनवीर सिंह हमारी टीम के अंदर रहेंगे, इनका सिलेक्शन काफ़ी कम है, लेकिन ये बंदा 4 ओवर्स तो करेगा, साथ में यहाँ पर बैटिंग अगर करेगा तो बैटिंग से भी अच्छा खासा एडवांटेज दे सकता है। बाकी आप लोग चाहो तो यहाँ पर एस सिंह की जगह पर अश्विन हेब्बर को भी ले सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में ओनली वन यहाँ पर अभिषेक शर्मा रहेंगे, बाकी आप लोग ऐसे रमनदीप सिंह को ट्राई कर सकते हैं, तगड़ा प्लेयर यहाँ पर, लेकिन लास्ट मैच में बैटिंग से थोड़ा सा नीचे खेला था, और किसी ना किसी प्लेयर्स के ऊपर तो हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा। यहाँ से गोलामरू को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ पर नमन धीर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, ये जब चंडीगढ़ टी20 हुई थी ना, तो वहाँ पर ये ओपनिंग करवा रहे थे नमन धीर, जहाँ पर इन्होंने 1 सेंचुरीज भी लगाई थी, तो उस लेवल के प्लेयर है, लेकिन यहाँ पर थोड़े से नीचे खेल रहे, तो मतलब किसी ना किसी प्लेयर के ऊपर तो हमें रिस्क लेना ही पड़ेगा।
बाकी बॉलिंग सेक्शन में अर्शदीप सिंह है, सिद्धार्थ कौल है, हरिशंकर रेड्डी और हरप्रीत ब्रार है। बाकी आप लोग चाहो तो यहाँ पर स्टीफन और मोहन को भी ट्राई कर सकते हैं। टीम की बात इसके अलावा ऐसे एक चॉइस है मयंक मार्कंडी, आप लोग इनको भी लेके जा सकते हैं। टीम की बात करते हैं तो टीम के कप्तान है हमारे ऐसे अभिषेक शर्मा और वाइस कैप्टन ऐसे हनुमा विहारी है, आप लोग इनको रोटेट भी कर सकते हैं। और बाकी अदर चॉइस है यहाँ पर अर्शदीप सिंह, इनको ट्राई कर सकते हैं। बाकी टीम को जिस तरह से रहेगी इसमें कुछ बदलाव वगैरह हो सकते हैं। फाइनल टीम जो भी रहेगी वो टेलीग्राम में दी जाएगी, तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग को उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पूरा वीडियो देखते रहो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी विनिंग करते रहो और टेलीग्राम से जुड़ेगा, क्योंकि इस टूर्नामेंट की लाइनअप आखिरी के 2-3 मिनट में ही आती है, तो जुड़े रहेगा टेलीग्राम में, फाइनल टीम हम लोग उसी वक्त शेयर करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।